एक लोक कला से यहाँ के खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने पाटन से विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अमित जोगी भी अब JCCJ की जो राजनीति कर रहे हैं वो चौंकाने वाली राजनीति करने का काम अमित जोगी कर रहे हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ने वाले और वो चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाटन विधानसभा से उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। पाटन कौन सी सीट है? पाटन जहां पर भूपेश बघेल प्रत्याशी हैं, पाटन जहां पर बीजेपी की तरफ से विजय बघेल प्रत्याशी हैं, और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला अब हो चुका है क्योंकि अमित जोगी ने पाटन विधानसभा से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। बेहद बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है न्यूज 18 पर, अमित जोगी ने पाटन से अपना पर्चा, अपना नॉमिनेशन कर दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए, अमित जोगी जो कि कह रहे थे, पहले यह खबर आई थी कि अमित जोगी चुनाव नहीं लड़ने वाले और वे चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, लेकिन अब अमित जोगी ने पाटन से जो पर्चा दाखिल किया है यहाँ के मुकाबले को त्रिकोणीय और बड़ा ही दिलचस्प बना दिया है। आपको बता दें कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी इनकी पार्टी है, इनके पिता ने इस पार्टी को बनाया था, अजीत जोगी, जो कि कांग्रेस से अलग अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी और तीसरी ताकत बनने की कोशिश करते हुए वो भी नजर आए थे, उनके बेटे भी नजर आ रहे हैं और उनकी माँ रेणु जोगी जो है वो भी चुनाव लड़ रही हैं, उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। और अमित जोगी ने भी चौंकाया है, पाटन विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। और देखिए कि खबरों में आने की या एक प्लानिंग जो होती है चुनाव की, अमित जोगी चौंका भी रहे हैं और ये मालूम है उनको कि वो क्या करना है, चुनाव में कैसे अपनी मौजूदगी दर्ज करानी है। इसी वजह से अमित जोगी कुछ देर पहले खबर आती है कि अमित जोगी, जाहिर सी बात है उनकी पार्टी की तरफ से खबर आती है कि चुनाव वो नहीं लड़ने वाले, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद जब ये खबर बनेगी कि अमित जोगी नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो चर्चा में भी आ जाएंगे। और वो चर्चा में आ गए हैं क्योंकि उन्होंने सीट भी बड़ी पूरा रिसर्च करके, उन्होंने खूब छान लिया और उसके बाद रिसर्च करके सीट चुनी है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री के खिलाफ ताल ठोकने जा रहे हैं।